लेकिन एकजुटता एक समान हम लोग उस अवस्था में है कि सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हम प्रकृति के पूजक, चाहे सरला ब्राह्मण कहे, चाहे गोंडवाना कहे या गोंडी कहे या सारी कहे, सारी चीजों को अगर आप देखेंगे तो हम प्रकृति के पूजक। और हमारी रीति रिवाज, हमारी संस्कृति, सारी चीजों को मिलकर देखें तो हमारा प्रकृति ही एक सर्वोच्च शक्तिमान के तरीके से हमारे सामने उपस्थित। और उन तमाम चीजों की देखिए व्याख्या करने के लिए अभी समय नहीं है कि प्रकृति की व्याख्या हम यहाँ पर करें। और प्रकृति का मेल सूचक हमारे सूर्यदेव है, जिसको हम लोग मुंडा लोग उस इलाके में सिंगी बुंगा कहते हैं, उड़ाव लोग उसको धर्मेश कहते हैं, और कुछ लोग अपने अपने भाषा में सूचक। इतनी बड़ी शक्ति हम प्रकृति के सूचक के रूप में है कि दुनिया के तमाम प्राणियों को, तमाम जीवों को एक समान रूप से वो सेवा करते हैं और प्रत्येक दिन हम उनको साक्षात दर्शन पाते हैं। और जितने धर्म के लोग हैं वो आता है हर धर्म में, और उसमें यही तो खैर जो भी अवतारी पुरुष है इंसान की सेवा के लिए आए हैं हम उनको आदर, चाहे ईसा मसीह हो या राम हो, कृष्ण हो या मोहम्मद साहब हो या गौतम हो। लेकिन हमारी सर्वोच्च शक्ति जो प्रकृति की है वो सिंगी बुंगा है, जिसको सूर्यदेव हम कहते हैं, और वे हमारे मानव जीवन के साथ साथ जितने भी ग्रह नक्षत्र के केंद्र में इनकार नहीं। और इन्हीं सवालों को लेकर के आज हम चर्चा कर रहे हैं कि हमारा धर्म बोर्ड पूरे देश के लोगों का एक कॉमन राम हो, ताकि उसके आधार पर हम लोग सरकार को दबा सकें। इस सिलसिले में जब 2011 में जनगणना का काम शुरू होने वाला था, उससे एक साल पहले ऐसा 2010 में ये कोड के सवाल को लेकर के अभी जो मंत्री है उस समय एमपी के गुमला के जो सांसद है उनसे हमने प्रारूप बना करके उनसे घोषण करवाया, सुदर्शन भगत जी से, भले वो भाजपा के उन्होंने कर दिया। करने के बाद दो महत्वपूर्ण बातों पर सरकार आपके सामने प्रश्न का उत्तर कि सभी आदिवासियों को अलग अलग नामों से है, हम उसमें कोड नहीं दे सकते। और दूसरी बात है कि आदिवासियों का एक धर्म शास्त्र नहीं। ये दो महत्वपूर्ण बातों को लेकर के हम लोगों को इस पर विचार करना चाहिए कि वास्तविक में कल हम आवेदन पत्र देते हैं तो एक पहला कि हम एक रूपता कायम करें, पूरे देश के लोग, पूरे देश के जो विभिन्न धर्म के धर्मावलंबी हैं वे, और दूसरी बात कि अपने अपने क्षेत्र में जो भी हमारे जनजातियां हैं विभिन्न धर्मों के आधारित, धर्मों से आधारित हैं, वे भी अपने अपने कमिटियों के अंदर में कमिटी बना करके, अपने अपने संस्थाओं के अंदर में कमिटी बना करके अपने ही धर्म के सवाल को लेकर के धर्मशास्त्र पढ़ना शुरू। हम लोग भी अपने झारखंड में इस तरह का शुरू करवा दिया है, मुंडा लोगों के बीच में, लोहरा लोगों के बीच में और लोगों के बीच में, ताकि एक समूचा सभी लोगों का एक आधार हम लोग प्रस्तुत करके सरकार को प्रस्तुत कर सकें। और इस चीज को अगर नहीं भी करेंगे तो हम फिर फेल हो जाएंगे। और या तो आप यहां बना हुआ हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ में हो, आंध्र में हो, गुजरात में हो या मध्य प्रदेश में हो, राजस्थान में, अब
अगर कहीं बना हुआ है तो उसकी कॉपी हम लोग को दे और उसको कम से कम मोटे तौर पर छोटे रूप में बना करके प्रस्तुत करें और बाद में उसको नया पुराना हम लोग करते हैं। आज के संदर्भ में है ना, ओल्ड टेस्टामेंट न्यू टेस्टामेंट, और कुछ तो हम लोग वहां प्रस्तुत करें, क्योंकि जो गाइडलाइन है हमको उस गाइडलाइन को पालन करना ही पड़ेगा उसको प्राप्त करने के। जो हमारे बीच में खामी जरूर हम कहते हैं प्रकृति का पूजा करते हैं, जरूर हम विभिन्न रूपों में सभी जगह हम पूजा करते हैं सभी जगह, लेकिन एक लिखित रूप से हम अपने सवालों को लेकर के सामने लाए ताकि उसके आधार पर हम लोग और इस धर्म कोड को प्राप्त करने के लिए हम लोगों ने आदिवासी धर्म के नाम का प्रस्ताव आप लोग के सामने दिया, पूरे देश के सामने दिया और लोग भी दे सकते हैं, जिसमें भी हम लोग की आम सहमति हो, कोई जीत नहीं है कि आदिवासी धर्म ही हो, कोई जीत नहीं है कि आदि धर्म ही हो। क्यों? इसीलिए कि इस चिट्ठी में आप देखेंगे हिंदू धर्म कौन कौन लोग मानते हैं भाई, अर्धमार्गी लोग हिंदू कहलाते हैं, अर्ध समाजी लोग हिंदू कहलाते हैं, सायव पंथ वाले हिंदू कहलाते हैं। उसी तरह आप देखेंगे कि मुसलमान लोग भी सिया सुनी सूफी और विभिन्न प्रकार के बहुत से नाम हैं। इसको अगर हम लोगों ने लिखित रूप से अपना भाषण दे दिया है, पढ़ लिए होंगे तो आप लोगों को मालूम होगा कि सारा चीज को हम लोग दे दिया है, और अगर इसको मुझे नहीं आया है तो पढ़ के सुना दूं क्या? पढ़िए पढ़े। तो आदिवासी धर्म गोंडी सरना गोनी पोली सना माही सफा हो गारो मिजो विधहीन भिली औरासन गुंडी आदि निश्वर मीन सारी मुंडा उड़ाव किरसा जाहिर खान देशावली इत्यादि बहुत से नाम, ये कुछ नामों का हम लोग दिए। तो ये आदिवासी धर्म में ये सभी लोग अपने अपने जगह पर धर्म को मानते हुए हम लोग आदिवासी धर्म पर। दूसरी बात है आदिवासी से ही अनंत की प्रीति रीति है, जिस चीज को आप पढ़ लेंगे उसमें विश्वास मैं जानना चाहता हूँ। तो प्रकृति के बारे में ही हम लोगों ने उस चीज को चर्चा किया। तो उसी प्रकार आप देखेंगे कि आपको पूरा पढ़ देते हैं, आधार पर विकास किया गया इसे धारण तथा सदाचार की यही आचार आदिवासी धर्म कहलाई। आदिवासियों का धर्म जड़ संहिता नहीं है, इसमें कालवादी के को छोड़ने और काल संगत को जोड़ने की आत्म रूपांतरकारी शक्ति है। प्रत्येक आदिवासी समुदाय का अपना अपना धर्म और जिसमें अपनी आस्था है। आदिवासी धर्म जैसा आध्यात्मिक और भौतिक लोकतंत्र इसे शक्ति देता है, बेशक यह बात गर्व की है कि हम आदिवासियों का सर्वोच्च देवता प्रकृति के प्रतीक देवता सूर्यदेव सिंह बोंगा धर्मेश बसुमती गोसाई वीरु गोसाई बेलासुर इत्यादि हैं जो ब्रह्मांड में सर्वशक्तिमान है। इसलिए देश के विभिन्न राज्यों के विभिन्न समुदाय के आदिवासियों के द्वारा विभिन्न नाम से प्रचलित धार्मिक परंपराओं से आस्था रखते हैं और वे सभी प्रकृति के पूजक अपने अपने स्तर पर संबंधित प्रकृति से जुड़े हुए धर्मों में आस्था रखते हुए अखिल भारतीय स्तर पर आदिवासी धर्म पर आस्था रखेंगे ताकि प्रकृति से संबंधित स्थानीय स्तर पर धार्मिक आस्था रखते हुए भारत व्यापी धार्मिक पहचान का आदिवासियों का हो सके। हमें गर्व है कि हम प्रकृति पूजक हैं। हमारा आदिवासी धर्म प्राचीनतम धर्म है, विज्ञान पर आधारित है, हमारा धर्म दर्शन सर्वोत्तम है, हमारा धार्मिक सामाजिक आर्थिक और सांस्कृतिक मान्यताएं एवं परंपराएं प्रकृति के नियम के अनुसार बने हैं। हम प्रकृति के सर्वोच्च शक्ति की आराधना करते हैं। हमारा आदिवासी समाज प्रकृति गोद में फलता फूलता है। प्रकृति का चक्र प्रकृति के शक्तियों की क्रिया प्रतिक्रिया से चल रहा है। संसार के
समस्त प्राणी, जीव जंगल, पेड़ पौधे अर्थात जीव जगत के सृजन, यही ऋण धन यानी पितृ मातृ शक्तियों की क्रिया प्रतिक्रिया से होता है। प्रकृति पहले भी थी, आज भी है, कल भी रहेगी। यह सबसे सृजित है, इसमें केवल परिवर्तन होता रहता है। इसी सत्य पर आधारित है हमारा धर्म दर्शन, काल्पनिक नहीं बल्कि वास्तविक सत्य पर आधारित है। हमारे समाज में सभी धार्मिक सामाजिक कार्य जैसे जन्म शादी विवाह मरण शुद्धिकरण एवं आदि आदिवासी रीति रिवाज सामाजिक मान्यता एवं परंपराओं के अनुसार हमारे सभी कुल के बंधु बांधव मिलकर बिना आडंबर के सहज ही संपन्न कर लेते हैं। ऐसी सुंदर आडंबरहीन व्यवस्था अन्य किसी समाज में देखने को नहीं मिलता। उपरोक्त सभी बातों से यह स्पष्ट होता है कि आदिवासी समाज में धार्मिक सामाजिक सांस्कृतिक मान्यताएं एवं परंपराएं उच्च कोटि के हैं, परंतु आज विडंबना यह है कि हम उन्हें छोड़कर बाहरी आडंबर के चकाचौंध में पड़कर दूसरे धार्मिक व्यवस्थाओं को भी स्वीकार कर किए हैं और करने लगे हैं। पिछले कुछ वर्षों में हम अपने पूर्वजों के द्वारा बताए गए धार्मिक व सामाजिक नियमों का लगातार भूलते जा रहे हैं। माननीय बंधुगण, अभी